नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रविवार को महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेश्री तपोवन मठ में आध्यात्मिक गुरु गोविंद देवगिरी महाराज से मुलाकात की। साथ ही आलंदी पुणे में आयोजित गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल हुए। आलंदी पुणे में आयोजित गीता भक्ति अमृत महोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे औरंगजेब की दुर्दशा की थी इस बारे में बताते हुए कहा कि भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टे करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे भारत में जिस तेज को लहराया था, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए उन्होंने औरंगजेब को ऐसे तड़पने के लिए छोड़ दिया कि कोई पूछ नहीं रहा है। सीएम योगी ने कहा कि वे नाथ संप्रदाय के एक सामान्य अनुयायी हैं। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, मुगलों से नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम, और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की। यह डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। भारत की रक्षा सेनाएं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त होंगी, इस दिशा में कार्य भी वहां हो रहा है। तो यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं, और इसी का परिणाम है जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की चर्चा के दौरान शायराना अंदाज में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि आपने दिया फेलियर स्टेट, हमने बनाया सिक्योर स्टेट। आपने लूटे मिलियन, हम प्रदेश को देंगे 1 ट्रिलियन। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार टैलेंट, ट्रेडिशनल ट्रेंड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी के मंत्र को अपनाकर मिशन मोड में प्रदेश में विकसित कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 6,64,00,000 लाभार्थियों की फैमिली आईडी की सीडिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है और यह कार्य तेज गति से जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में मातृभूमि योजना, महिला सुरक्षा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कोष की स्थापना की गई है। डबल इंजन सरकार के प्रयास से प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता मिली है। सीएम ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 40 लाख नए बच्चों के प्रवेश को भी सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना और विद्युतीकरण पीएम स्वामित्व योजना की उपलब्धियों को भी सदन में प्रस्तुत किया। पिछले 7 वर्ष में सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर के जो अलग अलग घटक है, जो 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनके 12 लक्ष्य नीति आयोग ने तय किए थे, इसमें डबल इंजन की सरकार ने पिछले 6 वर्ष में प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। इसमें अगर आप देखें तो 2017-18 में, यानी 16-17 में भी अगर आप देखेंगे तो 1.5 करोड़ लोग केवल अनुपूरक आहार ही प्राप्त कर पाते थे, और आज 2,06,00,000 से अधिक लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बाल मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य की बात आप कर रहे थे तो 2014 में, 16-17 में भी 48 प्रति लाख थी, जो 2020 में या 38
प्रति हजार हो चुकी है। मातृ स्वास्थ्य दर में भी अगर आप देखेंगे कि 2016 तक 285 प्रति लाख थी, आज 2022-23 में यह 167 प्रति लाख हो गई है। स्कूली शिक्षा में विगत 7 वर्ष में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि 40 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में बढ़े हैं। आज 1,92,00,000 बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को आज हम वहां पर बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं और साथ साथ प्रदेश के अंदर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को वर्ष में 2 बार फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य भी सरकार उपलब्ध करवा रही है। हर घर नल योजना, 1,95,00,000 घरों को हम लोग हर घर तक, परिवारों को हर घर नल की योजना से जोड़ चुके हैं। 1,58,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली दे चुके, 1,58,00,000 घरों तक बिजली का मतलब 1,21,000 गांवों में मजरों में बिजली पहुंचाने का काम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया और 55,83,000 आवास भी उपलब्ध करवाए गए प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना में 90,866 गांवों में हम लोगों ने पीएम स्वामित्व योजना में, जहां पे जिसकी झोपड़ी होगी वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार मिलेगा, पीएम स्वामित्व योजना में इस कार्यक्रम को हम लोग प्रदेश के अंदर लागू कर चुके हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 9 करोड़ खातों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है और जिसमें से आधे से अधिक यह प्रदेश के महिलाओं का है। और मैं केवल आपसे कहना चाहूंगा, आपने तो दिया था अपने 5 साल के कार्यकाल में एक फेलोर स्टेट, हमने बनाया एक सिक्योर स्टेट। आपने लूटे मिलियन और हम देंगे प्रदेश को 1 ट्रिलियन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को और एमएस स्वामीनाथन जी को, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के फैसले का हृदय से अभिनंदन करते हुए विधानसभा में सीएम योगी ने भारत रत्न पाने वाली विभूतियों का गुणगान किया। सीएम ने सरकार के फैसले की तारीफ की। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने को लेकर सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। चौधरी साहब का सम्मान कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है। चौधरी साहब ने यूपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में किए गए विकास के प्रयास सराहनीय किए हैं और किसानों के मामले में 2014 के बाद राजनीतिक एजेंडे में आए और इसके पीछे चौधरी साहब की ही देन है। चौधरी साहब का सम्मान उत्तर प्रदेश से था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी करोड़ों किसानों की आवाज को उन्होंने जो बुलंदी दी, सचमुच चौधरी साहब का सम्मान देश के कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है। और चौधरी साहब की स्मृतियों को यह एक नमन भी है, विनम्र श्रद्धांजलि भी है। चौधरी साहब का आंकलन, उन्होंने जो सुधार के कार्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो किए थे वो अविस्मरणीय है। राजस्व में आज जो कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है वह चौधरी साहब की देन है। एक गरीब को उसका अधिकार मिल पा रहा है, चौधरी साहब की देन है। किसानों की आवाज को हर मंच पर तवज्जो दी जा रही है और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह भी चौधरी साहब की देन है। इन सभी नेताओं ने या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने देश को एक पहचान दी और सर्वथा भारत रत्न एक उपयुक्त सम्मान है। मैं सोचता था कि अपने
बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे, लेकिन बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है, कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। माता पिता एवं अपने को खो चुके बच्चों को अब दर दर की भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को दो वक्त की रोटी कमाने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। ऐसे बच्चों को कन्वेंट स्कूल में शिक्षा दिलाने का जिम्मा सरकार ने उठाया है और 3 बच्चों को चयनित किया गया है। भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम के तहत बेसहारा बच्चों को समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उनको बेहतर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से स्कूल भेजने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और बच्चों का डॉक्टरों से परीक्षण करवाया जाएगा। साथ ही टीम ऐसे बच्चों का मानसिक स्तर परखेगी और इसके बाद रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी को भेजी जाएगी। बच्चों के नर्सरी से लेकर और उच्च शिक्षा तक का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। अनाथ बच्चों को पढ़ाकर बेहतर नागरिक बनाने के साथ ही उनके जीवन स्तर को सुधारने के ध्येय से इसकी शुरुआत की गई है। अनाथ बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की योजना योगी सरकार की प्राथमिकता में है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।